पचपन से लेकर पचपन तक हर मौके रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे किड्स वेयर गर्ल्स वेयर लेडीज वेयर मैं राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाउ कॉम्प्लेक्स दमोए बाजार से कम कीमत आरोप दिवाकर होजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस जीन्स टॉप लगे कुर्ता प्लाजो कुर्ते वो भी नए नए डिजाइन में एक बार अवश्य बता रहे बल्ड वॉश न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार आइए नजर डालते हैं दमोह तो जिले की बड़ी खबरों में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता मोनारी तालाब के पास पकड़ा गया मगरमच्छ वन विभाग ने ले जाकर नदी में छोड़ा वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज प्रदेश के संगठन मंत्री श्री श्री अग्रवाल जी की उपस्थिति में और वैश्य समाज के बंधुओं की, की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई जहाँ पर मुख्य रूप से जिला कार्यकारिणी को लेकर बैठक में चर्चा की गई साल भर के होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई जनपद पंचायत हटा में बेगलांग पंजीयन शिविर लगाया गया जहां हटा विधानसभा क्षेत्र की विधायक उमा देवी खटीक ने पहुंचकर संबंधित हितग्राही से व्यक्ति व्यक्तिगत चर्चा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कोई भी हितग्राही पंजीयन से वंचित न रहे दमोह कलेक्टर श्री कोचर के यहाँ पहुँचने पर सी के समय पर न आने और सप्ताह में केवल तीन दिन आने की शिकायत मिली उन्होंने सी एच ओ निया वर्मा के विरुद्ध जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए कलेक्टर दमोह कोचा पहुंचे तेंदूखेड़ा ग्राम पंचायत बमोरी माल मिले लोगों से ली जानकारी प्रदेश के पशुपालन डेयरी विभाग राज्य मंत्री श्री पटेल गणमान्य नागरिकों से दमोह शहर के जटा स्थित कार्यालय में सभी से की सौजन्य भेंट प्रदेश सरकार के द्वारा पेंशनरों की लगातार उपेक्षा के चलते आज मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ जिला इकाई दमोई के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कायला दमोह में कलेक्टर दमोह के मध्य माध्यम से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा ज्ञापन सौंपने वाले में संगठन ने वरिष्ठ पदाधिकारी व संगठन के अनेक सदस्य उपस्थित रहे दमोह कलेक्टर श्री कोचर ने बस स्टैंड बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया एस डी एम बागड़ी तहसीलदार दमो जैन सी अभिषेक तिवारी सी एम पुरोहित यातायात प्रभारी डी एस मार्को सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे श्री दिलीप अहरवाल राज्य मंत्री वन पर्यावरण विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन जबलपुर से होकर दमोह पहुंचे जहां संग्रामपुर में कार्यशाला लखनाखेड़ी प्लांटेशन में वृक्षारोपण उपन के उपरांत दमोह वन विभाग रेस्ट हाउस जहां जहाँ जिलाध्यक्ष प्रीतम से पवन तिवारी सुरेश पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे इस दौरान वनमंडल अधिकारी भी सहित वन स्टाफ मौजूद रहा शुक्रवार की रात आठ बजे करीब तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमोह सागर मार्ग पर बमोरी चौराहे के पास दो बाइकों की आमने सामने भ्रंत होने के से एक युवक की सांस थम गई वहीं तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल होने के चलते जरूर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है घटना की जानकारी मिलते ही तेंदूखवाड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जाँच शुरू की गई एक सौ की मदद से घायलों के इलाज के लिए भेजा गया वहीं घायलों में जिस सभी तेंदुखेड़ा से खामखेड़ा अपने घर जा रहे थे एक बाइक पर तीन सवार इस हादसे में शिकार हुए हैं एक की घटना स्थल पर सांस रथमी है जिसमें संदीप पिता डाल से उम्र 22 वर्ष निवासी खामखेड़ा थाना तेंदुखेड़ा भाई पिता रति राम ठाकुर पच्चीस वर्ष निवासी खामखेड़ा परमलाल पिता बारीलाल उम्र तेईस वर्ष निवासी खामखेड़ा शामिल है जिसमें दूसरी तरफ से आ रहे बिशन सिंह पिता अर्जुन सिंह बत्तीस वर्षीय निवासी समनाकारा थाना तेंद खोड़ा की आमने सामने भड़ंत हो गई हादसे में परमलाल पिता बालेलाल की घटना स्थल पर ही सांसें थम गई अन्य तीन लोगों को इलाज के लिए जल पर भेजा गया है पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है दमोह जिले के हटाभटियागढ़ मार्ग पर एक ऑफिस के पास ट्रैक्टर और छोटा हाथी वाहन में हुई भड़ंत छोटा हाथी वाहन में दो लोग फंसे देर रात तक रेस्क्यू जारी एक सौ वाहन हटा थाना प्रभारी मनीष कुमार सहित पुलिस बल रेस्क्यू में जुटा दमोह शहर के बीचों बीच अनियंत्र एक फार्चूना कार शहर के घंटा के पास महागंज स्कूल के पास पथैया फाटक बच की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने खड़ी दो कारों में मारी टक्कर दोनों कार के अलावा टक्कर मारने वाली कार भी कर हुई क्षतिग्रस्त टक्कर मारने वाली कार में सवार ड्राइवर को गंभीर रूप से घायल भिजवाया गया जिला अस्पताल मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की भीड़ भी लगी रही पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है दमोह शहर में जगह जगह अतिक्रमण के चलते इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं रफ्तार का कहर भी बीस शहर में देखने को मिलता है Thank you.